हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो सुमन रेटिंग जोन में आपका स्वागत है। तो गाइस, वीडियो बहुत दिनों बाद आया है, मुझे पता है, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब थे और कुछ प्रॉब्लम की वजह से ही वीडियो नहीं आ पाया था। अब फाइनली वीडियो आ चुका है। गाइस, ये फोटो एडिटिंग हेटर्स के ऊपर है। आजकल बहुत ही सबका हेटर्स बढ़ रहा है, तो मैं सोचा कि क्यों ना हेटर्स के लिए कुछ हो जाए। तो आप लोगों के लिए मैं ट्यूटोरियल लाया हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखना। गाइज, इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर लेना, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम पेज, ठीक है, फॉलो कर लेना। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं पिक्सार्ट को ओपन कर लेता हूँ। देखिए गाइज, मैं पिक्सार्ट पर ओपन हो गया हूँ। पहले मैं प्लस आइकन में क्लिक करके बैकग्राउंड को ओपन कर लेता हूँ। मैं जो बैकग्राउंड PNG यूज़ करूँगा सभी का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये देखो बैकग्राउंड, पहले मैं फ़ोन को रोटेट कर लेता हूँ, रोटेट हो गया। फिर इसको साइड कर लेता हूँ, देखो बैकग्राउंड, ठीक है। फिर ऐड फोटो में जाके मेरा जो फ़ोटो है उसको ऐड कर लेता हूँ। ये देखो मेरा फ़ोटो ऐड हो गया है, ठीक है। देखो इसको थोड़ा बड़ा करके फिर बैकग्राउंड को रिमूव करना पड़ेगा। ये रहा इरेज़र लेफ्ट साइड में, इरेज़र में टैप किया, फिर इरेज़र लेके इसकी थोड़ी सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। हार्डनेस को फुल कर देना, साइज को अपने हिसाब के बराबर करके फिर बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना ठीक से। पहले ऊपर का साइड सब क्लियर करके फिर अपने जो एजेस वगैरह है उसको थोड़ा समय देके क्लियर करना, ठीक है। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। अब थोड़ा जूम करके, फुल जूम करके पूरा एकदम ठीक से करना। जितना समय दोगे उतना परफेक्ट होगा आपका एडिटिंग। देखो एकदम 19:20 नहीं होना चाहिए, देखो, ठीक है। तो अब मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। तो मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर लेता हूँ। देखिए गाइस, मैं बैकग्राउंड को पूरा ठीक से रिमूव कर लिया हूँ। अब बारी आते हैं इस फोटो को, मेरा फ़ोटो को ठीक से बैकग्राउंड के ऊपर सेट करना। तो मैं ठीक से इस फोटो को सेट कर लेता हूँ, थोड़ा इधर आएगा, ठीक है। देखिए पूरा ठीक से सेट कर लिया हूँ। अब कुछ PNG लगाना पड़ेगा, मतलब शैडो। तो ऐड फोटो में जाके मैं शैडो का PNG है एक, आप लोगों को दे दूँगा, उससे थोड़ा आसान हो जाता है एडिटिंग। ये रहा शैडो का PNG, ये रहा ऐड। इस जगह से थोड़ा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। फिर ऐड करने के बाद इस शैडो को मैं पैर के यहाँ पर लगाऊंगा। देखो यहाँ पर जो डुप्लीकेट और यहाँ का ऑप्शन है उसको मूव डाउन कर देना, इसको टच करके, यहाँ पर टच करके मूव डाउन कर देना, तो ये फ़ोटो के नीचे चला जाएगा, मतलब मेरा फ़ोटो के नीचे। गाइस, अब इसको मेरे पैर के नीचे मैं सेट कर दूंगा। देखिए कैसे सेट कर रहा हूँ। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि ज़्यादा समय नहीं लगे, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा छोटा करके ठीक से सेट कर लेना। और एक बार मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, फिर और एक बार मूव डाउन करके जहाँ पर मैं बैठा हूँ उस जगह पर लगा देता हूँ। देखिए थोड़ा ओपेसिटी भी कम कर सकते हो आपके फ़ोटो के हिसाब से कितना शैडो लगेगा। तो मेरा फूल ही रहने देते हैं, ठीक है। और एक बार लेके हाथ के नीचे इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम करूँगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कम शैडो पड़ना चाहिए, ठीक है। देखो पूरा अच्छे तरीके से सेट कर दिया हूँ, फिर डन कर लेते हैं। डन, राइट पे क्लिक किया, डन हो गया, देखो डन, ठीक है। फ़ोटो लग गई, शैडो भी लग गई है। फिर आते हैं हेटर्स, जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर उसको PNG लगाना। ये रहा PNG, ये भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। फिर इसकी ब्लेंडिंग मोड को चेंज करना पड़ेगा। ब्लेंड में जाके मल्टीप्लाई स्क्रीन मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो व्हाइट सब चला गया। फिर इसको बड़ा करके इधर लगा देते हैं, फिर इसका थोड़ा ओपेसिटी कम कर लेते हैं। ये रहा ओपेसिटी, कहाँ गया, ये रहा। फिर 80 के करीब ओपेसिटी रख देते हैं, 82,
80, ठीक है 80 हो जा भाई। अरे क्या हो रहा है, 80 ठीक है, फिर डन डन। फिर इस फोटो को ड्रॉ टूल में जाके सेव कर लेते हैं। ड्रॉ टूल में गया, 3 डॉट सेव इमेज, ठीक है। चलिए अब लाइट रूम में चलते हैं। देखिए गाइस, मैं लाइट रूम पर ओपन हो गया हूँ। फिर ऐड फोटो में जाके इरा प्लस का आइकॉन, जो फोटो अभी पिक्सर पे एडिट किया हो उस फोटो को ऐड कर लेते हैं। ये रहा वो फोटो ऐड, ठीक है। फिर ऑल फोटो में जाके उस फोटो को ओपन करता हूँ। सबसे ऊपर में आएगा ये रहा, ठीक है, चला आया। पहले इस फोटो की थोड़ा लाइटिंग को एडजस्ट करते हैं। ये रहा सन का आइकॉन, ये रहा, ठीक है, क्लिक किया। फिर थोड़ा एक्सपोजर को चेंज करता हूँ, एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा देते हैं इस फोटो का। देखो थोड़ा लाइट बढ़ गई है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाते हैं 7.5 के करीब। फिर हाईलाइट को थोड़ा बढ़ाएंगे 8, शेडो को बढ़ा देना। फिर ब्लैक को कम, वाइट को ज़्यादा 20, ठीक है। फिर इस फोटो की कलर को एडजस्ट करते हैं, तो मिक्स टूल में चलते हैं। फिर हम मिक्स टूल, फिर कलर में जाके पहले जो नीचे ब्लू ब्लू सा दिख रहा है उसको पूरा हटाना पड़ेगा। ये रहा ब्लू, ब्लू का सैचुरेशन पूरा कम कर देना, ठीक है। फिर पर्पल, पर्पल का भी कम कर देना। फिर मेजेंटा टोन, मेजेंटा का भी पूरा कम सैचुरेशन। फिर ग्रीन, ग्रीन का ह्यू को पूरा कम कर देना -100। फिर सैचुरेशन कम करना, येलो का भी सैचुरेशन कम करना, ठीक है। देखो कितना फ़र्क। फिर ऑरेंज, ऑरेंज मेरा स्किन का कलर है, मतलब सभी लोगों का स्किन का कलर ऑरेंज होता है। सैचुरेशन थोड़ा कम करके लुमिनेंस को बढ़ा देना, ठीक है, तो स्किन में थोड़ा चमक आ जाएगा। फिर रेड, रेड का मैं सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा जूता का थोड़ा रेड है। देखो आपका फ़ोटो में कहीं भी रेड कलर है तो उसका सैचुरेशन बढ़ा देना, ठीक है, तो मैं इसलिए बढ़ाया हूँ। फिर लुमिनेंस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ +3.5, ठीक है। फिर डन। फिर इफ़ेक्ट में चलते हैं, इफ़ेक्ट में जाके इस फोटो का थोड़ा क्लियरिटी बढ़ा देते हैं +30, ठीक है, ठीक है। फिर बिगनेट को कम करते हैं थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर मिड पॉइंट को कम कर लेते हैं, ठीक है, इतना। बिगनेट को थोड़ा और कम कर देते हैं। फिर राउंडनेस को फुल कर देना, फेदर को भी फुल कर देना, ठीक है। फिर फोटो की शार्पनिंग को बढ़ा देते हैं, फोटो थोड़ा शार्पिंग हो जाएगा और HD में फोटो सेव होगा, ठीक है। फिर चले जाते हैं सिलेक्टिव टूल में, ये रहा सर्कल, ठीक है। फिर प्लस आइकन में क्लिक करके ये जो बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को 3 नंबर में, उस बॉक्स को लेके नीचे से मारना, एकदम नीचे से थोड़ा, ठीक है। फिर इसकी एक्सपोजर को थोड़ा कम कर देना, देखो थोड़ा और शेडो सा आ गया है, अच्छा लग रहा है। फिर इसकी थोड़ा शेडो को बढ़ा देना 50 या 56.5 के करीब। फिर और एक बार प्लस आइकन में क्लिक करके और एक बॉक्स ले लेना, फिर ऊपर से लगा लेना। फोटो को थोड़ा से छोटा कर लेता हूँ, फिर ऊपर से, ठीक है। अरे भाई क्या हो रहा है, छोटा करके ऊपर से इतना, ठीक है। फिर इसका भी एक्सपोजर को कम करना होगा इतना, ठीक है, थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ इतना। फिर कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दिया, ठीक है, डन। अब देखो कितना फर्क आ गया है फोटो में, देखो पहले ऐसा था अब ऐसा, ठीक है। अब इस फोटो को सेव कर लेते हैं, शेयर आइकन में क्लिक करके सेव टू डिवाइस, ये रहा, ठीक है, फोटो सेव हो रहा है। गाइस इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही फ़ोटो एडिटिंग और फोटोग्राफी रिलेटेड वीडियो ले आता हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना, ठीक है, ये रहा इंस्टाग्राम पेज, ठीक है, जाके फॉलो कर लो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। We'll be right back.